Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. DeFi अर्थात decentralized finance जो है वो कई मामलों में आगे है आज की दुनिया के centralized financial system से जो कि सारे एक साथ जुड़े रहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आझा और स्वागत है आपका Crypto Unfiltered के एक नए एपिसोड में, जहां हम DeFi के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। कई मामलों में सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा मिलता है और इसकी विश्वसनीयता जो है और इंटीग्रिटी है वो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम से काफी आगे है। यही वो कुछ कारण है जिनकी वजह से डीफाई का अडॉप्शन पिछले कुछ सालों में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। पर डीफाई के बैकग्राउंड में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की इकोनॉमी चल रही है जिन एल्गोरिथम्स में, उनमें कुछ कमियां भी हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है नए उपाय भी उमड़ के सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक है लिक्विड स्टेकिंग। और आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हमारी परंपरागत चली आ रही वित्तीय व्यवस्था के तहत बैंक्स जो होते हैं वो कस्टमर्स के पैसे को जमा रखते हैं और उसी पूंजी को आगे वो लोग उधार पे देते हैं एक ऐसे प्रोसेस के तहत जिसको हम फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग कहते हैं। अब इसके बल बोलते जो बैंक्स मुनाफा कमाते हैं उसका जो मेजोरिटी हिस्सा होता है वो खुद रख लेते हैं और उस रिटर्न का थोड़ा सा भाग कस्टमर्स को आगे पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार का प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी होता है, परंतु प्राचीन फाइनेंशियल सिस्टम के मुकाबले जहां पे कि कस्टमर्स को अंधकार में रखा जाता है, क्रिप्टो की दुनिया में सब कुछ जग जाहिर है क्योंकि क्रिप्टो लेजर जो होती है वो पब्लिक होती है। परंतु जनता को अंधेरे में रखने वाले प्राचीन फाइनेंशियल सिस्टम के मुकाबले जो नए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो बड़ी ही पब्लिक रूप से देखे जा सकते हैं सारे के सारे ब्लॉकचेन पे। अब भाई स्टेकिंग नामक जो वित्तीय व्यवस्था है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक स्पेसिफिक टर्म है जिसके तहत आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक प्रोटोकॉल में लॉक कर दिया जाता है और इसके ऊपर जो मुनाफा बनता है वो आपको समय के साथ मिलता है। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी स्टेक करना एक बहुत ही सही प्रोसेस हो सकता है कि आपकी बैठी हुई जमा पूंजी जो कि कोई काम धाम नहीं कर रही है उसको काम पे लगाने का और समय के साथ उससे लाभान्वित होने का। लिक्विड स्टेकिंग जिसको कभी कभी सॉफ्ट स्टेकिंग कहा जाता है, इसके तहत आपके क्रिप्टो फंड्स को लॉक तो जरूर कर दिया जाता है प्रोटोकॉल में ताकि आपको मुनाफा मिले, पर आपके पास फंड्स का एक्सेस बना रहता है। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि POS स्टेकिंग जो होती है इसमें आपके फंड्स जो होते हैं वो आपके पास एक्सेसिबल नहीं रहते क्योंकि प्रोटोकॉल में लॉक कर दिए जाते हैं। इसी के विपरीत जो लिक्विड स्टेकिंग है उसमें आपके फंड्स जो है वो भैया लॉक तो है एक प्रोटोकॉल के अंदर, पर आपके पास वो एस्क्रो के थ्रू एक्सेसिबल रहते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता अपने फंड्स को एक डीफाई एप्लीकेशन एस्क्रो अकाउंट में डाल के उसके बदले एक टोकनाइज्ड वर्जन प्राप्त करते हैं जिसको वो खर्च कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स के फायदे और गाथा सुनाऊं, आइए ये समझते हैं कि भैया काम कैसे कर रहा है। अब मान लीजिए एलिस नाम से एक लड़की है बहुत ही सुशील कन्या जो कि एक इथेरियम की मालकिन है। वो अब इस एक इथेरियम से थोड़ी मेहनत मशक्कत करवाना चाहती है, पर दिल ही दिल में वो इसको कहीं पे लॉक नहीं करना चाहती। वो ये चाहती कि जब चाहे उसके पास उस चीज का एक्सेस रहे। तो अब एलिस जो है वो दुनिया भर की रिसर्च करेगी अलग अलग लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स की ये देखने के लिए कि कौन सा बढ़िया रहेगा। अब वो किसी एक अच्छे से लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल में अपना जो एक इथेरियम है वो डालेगी और उसके बदले उसको STETH या फिर स्टेथ जिसको कहेंगे स्टेक्ड इथेरियम मिलेगा, टोकनाइज्ड वर्जन अपने इथेरियम का जिसको भविष्य में खर्च कर सकती है। एलिस को मुनाफा मिलता रहेगा अपने ओरिजिनल इथेरियम डिपॉजिट पे और वहीं दूसरी ओर जो उसको टोकनाइज्ड स्टेक्ड ETH मिला है उसको वो खर्च भी कर सकती है वैसे ही जैसे वो अपने नॉर्मल इथेरियम को खर्च कर रही थी और वो प्रोटोकॉल में होने की वजह से उसका मुनाफा समय के साथ बढ़ता भी जाएगा। एलिस अब ट्रेड कर सकती है, स्टेक कर सकती है या कुछ भी और कर सकती है जो कि उसके दिमाग में आए अपने स्टेक्ड इथेरियम के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। एलिस को अपना एक इथेरियम पुनः प्राप्त करने के लिए उस एक इथेरियम की वैल्यू वाला पूरा एक स्टेक्ड इथेरियम देना होगा और ये करने पे उसको अपना वो इनिशियल जो एक इथेरियम था वो वापस मिल सकता है। पर प्रोटोकॉल के चलते कई कई जगहों पे यही नियम कानून अलग अलग हो सकते हैं। कई कई प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं आपको जो इंटरेस्ट मिला होता है इनिशियल डिपॉजिट पे उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो भैया सब जगह अलग अलग खेला चालू है भाई। क्रिप्टो के अडॉप्शन में सही बढ़त देखिए पिछले साल। ट्रैक्शन के डेटा के अनुसार भारत में पिछले साल में 400 क्रिप्टो स्टार्टअप्स
और 12 NFT नॉन फंजिबल टोकन प्लेयर्स आए थे और सही बढ़त यहाँ पे चल रही है, पर धीरे धीरे इसी के साथ साथ नियम कानून पे सख्ती लाने पे भी काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है भाई। भारत ने अब यहाँ पे चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए 5 साल तक यूजर डेटा को रखना अनिवार्य कर दिया है और इसमें जो वो डेटा यूजर से KYC के दौरान इकट्ठा करते हैं उनको 5 साल तक उसको अपने सर्वर्स पे स्टोर करके रखना होगा। तो भैया नियम कानून तो बहुत टफ हो रहे हैं। यही नियम उन सारे फॉर्म्स पे भी लागू होगा जो भारत में VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन नियम कानूनों को भारत के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन ने लाया है। इसके तहत अगर कंपनियों को कोई भी थ्रेट या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज हो उनकी सिक्योरिटी में नेटवर्क्स में तो उनको 6 घंटे के तहत इसी चीज को रिपोर्ट करना होगा सरकार को। वहीं हाल ही में कॉइनबेस ने स्नैप इंडिया के प्रीवियस हेड दुर्गेश कौशिक जी को सीनियर डायरेक्टर फॉर मार्केट एक्सपेंशन के तौर पे नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से वो ये चाह रहे हैं कि ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो भारत में और नई इमर्जिंग मार्केट्स में भी फैले और इसका और विस्तार हो। कौशिक जो कि 9 मई से कॉइनबेस पे काम शुरू कर चुके हैं वो भारत में और अन्य इलाकों में जैसे कि एशिया, मिडिल ईस्ट, पैसिफिक, अफ्रीका और अमेरिकाज इन सब में एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे। वहीं दूसरी खबरों में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने कहा कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक द्वारा बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह उपयोग करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एल सल्वाडोर के बाद ये शायद दूसरा देश है जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है और दुनिया के सबसे ही पुअरेस्ट नेशंस में से एक है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। IMF के अनुसार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे एक गरीब देश का बिटकॉइन को लीगल टेंडर पे इस्तेमाल करना कानूनी एवं वित्तीय जोखिमों के साथ आता है जिसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। NFT की दुनिया में भी कुछ बदलाव हुए हैं। क्रैकन NFT मार्केट प्लेस जो कि कुछ समय पहले ही अनाउंस हुई थी, इसी क्रिप्टो एक्सचेंज ने अब अपने NFT मार्केट प्लेस के लिए बीटा वेट लिस्ट अनाउंस कर दी है और इसी की देखा देखी कॉइन ग्लोबल ने भी अपनी NFT मार्केट प्लेस सभी उपभोक्ताओं के लिए खोल दी है। पहले ये सिर्फ US के कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ओपन था पर उन्होंने अपने एक नए ट्विटर पोस्ट में बताया कि अब ये सबके लिए ओपन हो चुका है। Coinbase के कथन अनुसार उनका NFT मार्केट प्लेस अभी भी एक बीटा स्टेज में और कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रही है ताकि इसमें और फीचर्स को ऐड कर सके। दोस्तों बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट 21% लॉस अब तक मई में देख रहा है जो कि उसका सबसे बुरा मंथली स्लंप गया है इस साल में और ये सब हुआ है पिछले हफ्ते के क्रिप्टो जगत के टर्मोइल की वजह से जिसमें कोलैप्स हुआ टेरा USD एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन का जिसको हम टिकर USD भी कहते हैं और टेथर का भी एक ब्रीफ डिप आया अपने डॉलर पेग से। क्रिप्टो करेंसीज की भी थोड़ी हालत टाइट हुई है, जैसे इस साल रिस्क एसेट्स को बेचा जा रहा है तेजी से और ये चीज अब बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है क्योंकि डेटा के अनुसार USA में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे जो निवेशक हैं उनके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया है कि जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इतनी टाइटनिंग हो रही है इसका वित्तीय इंपैक्ट कितना पड़ेगा। वैल्यू के मामले में बिटकॉइन जो है वो अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल $30,000 के आसपास बना हुआ है और उसी इमीडिएट सपोर्ट लेवल के आसपास वो ट्रेड कर रहा है एक हफ्ते से ज्यादा से। पिछले एक हफ्ते में बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू का लगभग 6% लूज किया है और एक और 3% ये गिरा पिछले 24 घंटों के अंदर। और एक और बात ये भी है कि बिटकॉइंस और ऑल्टकॉइंस जो है वो काफी ज्यादा वॉलेट रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते में क्योंकि मार्केट में एकदम वीकनेस देखने को मिल रही है और रिकॉर्डिंग के समय पे बिटकॉइन की जो प्राइसिंग थी वो $29,109 थी और ये भैया $31,000 से गिर के यहां पे आया है और हमें अगर इससे ज्यादा बड़ी अगर एक फॉल देखने को मिले अगले कुछ दिनों में तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि बिटकॉइन की वैल्यू बिल्कुल नीचे गिरते हुए $19,000 तक भी जा सकती है। ऑल्टकॉइंस जो हैं वो भी पिछले एक हफ्ते में काफी ज्यादा बुरे हालात में रहे हैं पर थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई है वीक टू डे नंबर्स के मामले में। अब जैसे ईथर जो है वो अभी भी $2,000 के मार्क के आसपास वैल्यू किया जा रहा है जो कि 7% इंप्रूवमेंट है नंबर्स में अगर हम ये बात को ध्यान में रखें कि पिछले ही हफ्ते मार्केट में क्रैश हुआ था। ऐसे ही एक प्राइस पंप की वजह से बाइनेंस कॉइन की भी वैल्यू थोड़ी बढ़ी है और जो कार्डानो है वो 23% ऊपर गया है इस हफ्ते और दूसरी ओर सोलाना, XRP, पॉलीगन और चेन लिंक जो है उन सब ने थोड़ी बहुत रिकवरी मैनेज करी है जो कि डबल डिजिट परसेंटाइल फिगर्स के आसपास है। दोस्तों जितनी भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं अभी उन्होंने हाल ही में काफी ज्यादा उतार देखा। बिटकॉइन जो है वो 24,06,319.79 पर है और 1.81% गिरा है। शीप जो है वो 6.26% गिरा है और उसकी वैल्यू काफी कम होके 0.00938 हो चुकी है।
और यूएसडी कॉइन जो है वो 0.05% बढ़ा, पर फिर भी इन्होंने थोड़ी सी बढ़त दिखाई है। एथर जो है वो भी 0.04% गिरा है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में और, या फिर ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो अभी डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच ऐप को, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आज के क्रिप्टो अनफिल्टर्ड एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा और बढ़िया लगा होगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.